नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप लोगों का सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से ही आपको हमेशा से नई जानकारी देते रहता हूं। दोस्तों, आपका पोल्ट्री फॉर्म बहुत अच्छा चले और अच्छा मुनाफा आपको हमेशा मिलता रहे, मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है। दोस्तों, हम फॉर्मर में एक काफ़ी हमेशा से देखी गई एक आदत है, जब भी कोई बीमारी लग जाती है हमारे चिक्स को, चूजों को, तो लगते हैं दौड़ लगाने डॉक्टर के यहाँ। मगर मैं कहता हूँ दोस्तों, आप बीमारी को अपने पोल्ट्री फॉर्म के अंदर आने ही ना दें। दोस्तों, पोल्ट्री फॉर्म में एक बीमारी जो काफ़ी नुकसानदायक होता है वो है चिक्स में लंगड़ेपन की शिकायत, जो कि चूजों में बहुत ही जल्दी पकड़ने वाली बीमारी है। ये चाहे आपका फॉर्म ब्रॉयलर का हो या फिर लेयर का हो, किसी का भी हो, ये बीमारी बहुत ही जल्दी अपना आक्रामक रूप दिखाने लगती है। ये बीमारी वायरल या बैक्टीरिया डिजीज या आसपास में कोई और पोल्ट्री फॉर्म हो या फिर आपका पोल्ट्री फॉर्म पहले से ही बैक्टीरियल रहा हो, इससे ये बीमारी फैल जाती है। या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तब भी ये बीमारी आ जाती है। इससे चूजों में लंगड़ापन की शिकायत आ जाता है। दोस्तों, ये लंगड़ापन की शिकायत चूजों में कैल्शियम की कमी के वजह से होता है, जिसके कारण ये चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। ना तो ये दाना ही ठीक से खा पाते हैं, ना ही पानी ही पी पाते हैं, और काफ़ी कमज़ोर होकर मर जाते हैं, जिसे कि हम लोग मोर्टेलिटी भी कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो लंगड़ेपन का शिकायत जो आपको कैसे होता है और कैसे आप पहचान करेंगे। तो देखें दोस्तों, ये चूजे को जो आप देख रहे हैं, इसका एक पैर जो है वो बिल्कुल ही मुड़ता नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेट सीधे रूप में रहता है, ये देखें। और ना ही ये चल पाता है, ना ही ये इधर से उधर कहीं जा पाता है। दोस्तों, इसके वजह से ये ना कायदे से खा पाता है, ना ही पानी पी पाता है, जिससे इसके शरीर का विकास ही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर के मर जाता है। तो इससे इसको रोकथाम करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका पहला उपाय जो है, जो कि कैल्शियम का टैबलेट के रूप में आता है, वो कैल्शियम का जो टैबलेट है वो तो आमतौर पे दुकानदार के यहाँ, किसी भी दवा दुकान में जहाँ चूजों की दवा बिकती है वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो फार्मर, जैसे कि अब ये लंगड़ापन की शिकायत है, हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, तो हम लोग जाते हैं, जो भी हम लोग फार्मर हैं, जाते हैं दुकानदार के पास और बोलते हैं कि भैया हमें कैल्शियम की टैबलेट दीजिए, तो वो दे देता है। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें उस टैबलेट में कॉम्बिनेशन क्या क्या है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कैल्शियम का टैबलेट दे देंगे, उसके बावजूद भी वो जो बीमारी लंगड़ेपन की है वो दूर नहीं होगी, जिससे कि हम लोग परेशान हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान झेलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उस कैल्शियम की गोली में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। इस जो कैल्शियम की गोली है उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए, उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, B12 और D3, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें D3 जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ये लंगड़ेपन की शिकायत में D3 बहुत ही कारगर काम करता है। दोस्तों, इस
बीमारी में चूजों के अंदर कैल्शियम को ऑब्जर्व करने की, सोखने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है, जिसके वजह से ये बीमारी होती है। तो इस कॉम्बिनेशन की गोली को देने से चूजों में कैल्शियम को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और इस बीमारी से निजात मिलता है। इस जो कैल्शियम का टैबलेट है, जिसे हम लोग पानी में घोल के देते हैं, इसको देने का तरीका इस तरह से है। जिस दिन आप चूजों को अपने फॉर्म के अंदर डालते हैं, उसके पहले दिन से 8वें दिन में इसको, इसका पहला खुराक देंगे और दूसरा डोज जो है वो 22वें दिन देंगे। तो आप अगर इस लंगड़ेपन की बीमारी आपके फॉर्म में पहले से नहीं है तो होगा ही नहीं, और अगर ये बीमारी फैल गया है आपके फॉर्म के अंदर तो ये तुरंत ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि चूजों के अंदर इस दवा को देने से कैल्शियम को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और इस बीमारी का बिल्कुल ही निदान हो जाता है और आप नुकसान से बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके विषय में कमेंट ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान बना हुआ है, वहाँ क्लिक ज़रूर करें। उससे होगा ये दोस्तों कि इससे जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगी और इससे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी जो नई है, जो नई बीमारी के बारे में है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आप उसे देख करके, जान करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने पोल्ट्री को अच्छी से तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।